नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। ग्रामीण विकास मंत्री ने अपने ही कैबिनेट सहयोगी पर साधा निशाना, कहा सदर हलके के विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं कैबिनेट सहयोगी। नोटबंदी के कारण पूर्व सैनिक और सैनिकों के परिजन परेशानी में, आर्मी की कंटीन में नहीं लिए जा रहे 1,000 और 500 के पुराने नोट। मनाली में ट्रेवल मार्ट में जुटे 375 एजेंट, सांसद रामशु शर्मा ने किया ट्रेवल मार्ट का शुभारंभ। और नालागढ़ में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को लेकर की गई हड़ताल, 23 नवंबर के बाद होगा आमरण अनशन। होटल एसोसिएशन मनाली का मनाली ट्रेवल मार्ट विधिवत रूप से शुरू हो गया। 2 दिन तक चलने वाले इस MTM का शुभारंभ सांसद रामशिव शर्मा ने किया। सांसद रामशिव शर्मा ने कहा कि देश के ट्रेवल एजेंट कुल्लू मनाली के साथ बिना संकोच के काम करें। 2 दिन तक चलने वाले MTM के शुभारंभ अवसर पर सांसद रामशिव शर्मा ने कहा कि कुल्लू मनाली के होटलियर्स अपनी ईमानदारी को लेकर देश भर में जाने जाते हैं, इसलिए उनके साथ खुले दिल से काम करें। सांसद ने देश विदेश के ट्रेवल एजेंटों को विश्वास दिलाया कि 2019 में कुल्लू मनाली पर्यटन के नए आयाम छुएगी और सभी महत्वपूर्ण परियोजनाएं तैयार होते ही इस क्षेत्र में पर्यटन को पंख लगेंगे और पर्यटन कारोबार में भारी बढ़ोतरी होगी। सांसद ने ट्रेवल एजेंटों से मनाली के सभी खूबसूरत पर्यटन स्थलों को निहारने की बात कही। इस तरह हिमाचल प्रदेश में मनाली का विशेष स्थान रहा है और आज भी है, और किस तरह देश भर के दुनिया भर के टूरिस्ट मनाली आते हैं, कुल्लू वैली आते हैं, उनके बारे में व्यापक चर्चा हो रही है कि हमारा पर्यटन व्यवसाय कैसे बढ़े। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जब से केंद्र में सरकार बनी है, हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हिमालयन सर्किट का गठन किया गया है, जिसमें 3 जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश आए हैं, ताकि इन प्रांतों की भौगोलिक परिस्थिति भिन्न है, अधिक धन चाहिए, अतिरिक्त धन की व्यवस्था हुई है। लेकिन दुख इस बात का है कि हिमाचल सरकार ने आज तक कोई योजना बनाकर केंद्र को नहीं भेजी है, जिससे कोई भी नया काम करने में केंद्र सरकार को कठिनाइयां आती। जब हिमाचल सरकार कोई DPR बनाकर, कोई योजना बनाकर केंद्र को भेजती है तो तुरंत उसकी धनराशि मिलती है, तो इस पर्यटन व्यवसाय को नए पंख लगेंगे और हिमाचल वासियों को, मनाली वासियों को व्यवसाय में रोजगार के बहुत ज्यादा साधन भी मिलेंगे। इस मौके पर विधायक गोविंद ठाकुर ने देश भर से आए सभी ट्रेवल एजेंटों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मनाली कुल्लू की खूबसूरत वादियां दुनिया भर में मशहूर है, इसी के चलते हर साल यहां पर्यटकों की आमद में बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक सभी का मनाली से गहरा लगाव रहा है, जिसके लिए होटल एसोसिएशन बधाई के पात्र है, जिन्होंने पहली बार उत्तरी भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए MTM की पहल की है। जब शायद मनाली तो बहुत कम लोग जानते थे, शायद 1960-62 में उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू मनाली आया करते थे, और उसके बाद हम सबका सौभाग्य रहा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जब लोकसभा के सांसद बने तब भी मनाली आना, जब इलेक्शन हारते थे तब भी मनाली आते थे, जब विदेश मंत्री बने तब भी मनाली आना, और जब 6 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे तब भी उन 6 सालों में से 7 दिन देश का प्रधानमंत्री कार्यालय मनाली के प्रीणी गांव से चला करता था, ये सौभाग्य। वही इस दौरान देश विदेश से आए पर्यटकों ने भी अपने विचार साझा किए और मनाली ट्रेवल मार्ट की सराहना की। मेरी है, मैं मॉक्सन टूर्स दिल्ली से काम करता हूँ। ट्रेवल ट्रेड में मुझे करीबन 42 साल हो गए हैं और मनाली में प्रमोट करता हूँ। इसके बाद जो यहाँ पे जो ट्रेवल मार्ट इन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, ये बहुत बहुत बढ़िया, बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत एक्सलेंट है।
ऐसा ट्रेवल मार्ट मैंने अपने टाइम में कभी कहीं हिल स्टेशन में कभी नहीं देखा। आई मीन द वे दे आर प्रमोटिंग एंड ऑल दैट दिस प्लेस एंड भविष्य में जो इन्फॉर्मेशन इनके माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब ने आज दी और MLA साहब जो लोकल ने बताया और जो डेवलपमेंट बताए हैं वो बहुत एक्सलेंट हैं और मैं समझता हूँ शायद ये भविष्य में बहुत काम आएंगे। हम लोग जब तक रहेंगे काम करेंगे यहाँ, बाकी हमारी जनरेशन यहाँ पे इसमें काम करती रहेंगी। जो ट्रैवल एजेंट्स हैं इनका प्रोत्साहन देके हम सारे खुश होते हैं। मैं यहाँ पर लगभग 90% स्टॉल अभी तक विजिट करके आया हूँ और जितने भी होटलियर्स हैं सब इसमें बहुत खुश हैं कि उन्हें बहुत एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना कुछ होगा, पर एक्सपेक्टेंस से बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो हम इसी बात से खुश हैं कि हमारे होटलियर्स खुश हैं, तो हम पहले ही खुश हैं इस बात से। इसमें क्या है कि जो हम देखते हैं सीज़न पे आमतौर पे जब रोहतांग पास में रश पड़ता है तो जो उसकी कैरिंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा वहाँ पे लोग पहुँच जाते हैं, तो निश्चित तौर पे अगर ऐसी डेस्टिनेशंस को हम डेवलप करें, थोड़ी एक्सप्लोर करें और सरकार हमारे साथ मिलके थोड़ा सा रूट्स को, नए रूट्स को हमें मतलब सड़कें मुहैया कराए बनाए, तो शायद नई डेस्टिनेशंस हमें टूरिस्टों और जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उन तक पहुंचाने में MTM जैसे एक प्लेटफॉर्म पे मतलब काफ़ी पॉजिटिव रोल रह सकता है MTM। इस दौरान मुख्य अतिथि ने MTM टीम व होटलों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। मनाली व आसपास के पर्यटन स्थलों की जानकारी देने के मकसद से एसोसिएशन द्वारा तैयार मनाली ट्रैवल मार्ट पुस्तक का भी सांसद द्वारा विमोचन किया गया। इस अवसर पर मनाली एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश, महासचिव मुकेश, सहसचिव अजय ठाकुर, कोषाध्यक्ष होतम राम और प्रेस सचिव मोहन बोगटप्पा सहित MTM के सदस्य व एसोसिएशन के सभी सदस्य मौजूद रहे। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। के चैनल द्वारा एक नया प्रोग्राम बोल बिंदास बोल शुरू किया गया है, जिसमें शहर के लोगों द्वारा शहर में पेश आ रही समस्याओं को उजागर किया जा रहा है। इसी के तहत शहर के शौचालय की दुर्दशा को लेकर भी लोगों ने अपनी शिकायत बोल बिंदास बोल प्रोग्राम में दी थी, जिसके फलस्वरूप नगर परिषद द्वारा स्कूल बाजार स्थित शौचालय की हालत को सुधारने का कार्य शुरू कर दिया गया है। के चैनल द्वारा शुरू किए गए बोल बिंदास बोल प्रोग्राम में स्थानीय निवासी हरमीत सिंह बिट्टू ने शहर में शौचालय की दयनीय हालत को बयां किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि शहर में नगर परिषद द्वारा शौचालय तो बना दिए गए हैं लेकिन उनमें सफाई नाम मात्र है, जिस कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्कूल बाजार स्थित शौचालय की हालत तो यह थी कि वहां से गुजरना भी लोगों का दुश्वार हो गया था। के चैनल ने एक बहुत अच्छा अपने कार्यक्रम में एक और शुरू किया है बोल बिंदास बोल, उसमें वो लोगों के पास जाके लोगों की बात जो है वो खुल के बोलने का उनको एक ऑफर देते हैं और लोग बोलते भी हैं। तो उसमें ज़्यादातर इनका फोकस यही रहता है कि लोग शहर में जो समस्याएं हैं उसके बारे में बोलें, समाज में जो समस्याएं आ रही हैं उसके बारे में बोलें, शहर में जो वो चाहते हैं कि इस तरह का विकास होना चाहिए उसके बारे में बोलें। तो मुझे ये मौका मिला था इनके इस कार्यक्रम में थोड़ा सा बात करने का, तो मैंने दो तीन चीज़ें जो थी वो नगर परिषद से संबंधित थी और पार्षदों से संबंधित थी वो मैंने उठाई थी, जो कि शहर में शौचालय जो हैं स्थित हैं, जैसे स्कूल बाज़ार का शौचालय है, इंदिरा मार्केट में शौचालय है, मोती बाज़ार में है, पुरानी मंडी में विक्टोरिया पुल के पास है, इन शौचालय की दुर्दशा बहुत ज़्यादा, हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। अपनी दुर्दशा के लिए वो मतलब किसको हम जिम्मेवार कहेंगे, हम तो सीधे सीधे इसको नगर परिषद से ही जोड़ते हैं। हरमीत सिंह बिट्टू ने बोल बिंदास बोल कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि इसके फलस्वरूप आज नगर परिषद द्वारा स्कूल बाजार स्थित शौचालय की हालत को सुधारने का कार्य शुरू कर दिया गया है। उन्होंने अन्य शहरवासियों से भी इस कार्यक्रम के माध्यम से शहर में पेश आ रही समस्याओं को बिंदास होकर बोलने का आह्वान किया। तो मुझे ये देख कर और जानकर बहुत खुशी हुई है कि नगर परिषद ने इसका एक इनिशिएटिव लिया है इस चीज़ का, जो हमने कही थी, जो हमने समस्या उठाई थी, तो उसको समस्या को उन्होंने इसका इनिशिएटिव लेते हुए जो है स्कूल बाजार का जो शौचालय है उस पर सुधार का, उसके जीर्णोद्धार का कार्य जो है वो शुरू कर दिया हुआ है और उसके निर्माण में जो भी परेशानियाँ आ रही थी लोगों को, जो उसमें कमियां थी उनको दूर करने का जो है वो नगर परिषद ने प्रयास करना शुरू कर दिया है और वहाँ पे उनके जो टेक्नीशियंस हैं, मिस्त्री हैं, वो वहाँ पे काम पे लगे हुए हैं। तो मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई है और मैं इसके लिए नगर परिषद को और उस वार्ड के जो पार्षद हैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ और लोगों से फिर अपील करूँगा कि इनके इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा शहर की समस्याएँ उठाएँ और समस्या उठाते वक्त
कम से कम जो जहां पे वो समस्या आ रही है उस जगह का जरूर उस पे एक नक्शा खींचा जाए, उस जगह के बारे में जरूर प्रदर्शन किया जाए, उसका उसको इंगित किया जाए कि ये स्थान कहां पे है, ताकि जो भी एजेंसी जो भी स्टेक होल्डर उस काम के लिए उत्तरदायी है, चाहे वो आईपीएच है, चाहे पीडब्ल्यूडी है, चाहे नगर परिषद है, चाहे प्रशासन है, उसको सीधे सीधे ये पता लग जाए कि ये किस स्थान के बारे में बात हो रही है। बता दें कि के चैनल के प्रोग्राम बोल बिंदास बोल में लोग बढ़ चढ़ कर अपनी बात रख रहे हैं। अगर आपको भी शहर से जुड़ी कोई भी समस्या नजर आती है और आप उसे उजागर करना चाहते हैं तो आप इस बाबत के चैनल से संपर्क कर सकते हैं। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। फिलहाल के चैनल में वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल इम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल इम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। मंडी द्वारा मनाया गया दोस्ती सप्ताह सोमवार को संपन्न हो गया। दोस्ती सप्ताह के अंतर्गत सप्ताह भर चाइल्ड लाइन के कार्यकर्ता स्कूली बच्चों के साथ विभिन्न संस्थानों में गए और वहां पर लोगों को फ्रेंडशिप बैंड बांधकर दोस्ती का पैगाम दिया। इस दौरान बच्चों ने डीएसपी ऑफिस का भी भ्रमण किया। बच्चों को मजदूरी का नहीं बल्कि पढ़ने लिखने का अधिकार है और इसी अधिकार के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया चाइल्ड लाइन मंडी द्वारा। चाइल्ड लाइन मंडी ने लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से दोस्ती सप्ताह का आयोजन किया जो कि सोमवार को संपन्न हो गया। पूरे सप्ताह के दौरान चाइल्ड लाइन के सदस्यों ने बच्चों के साथ मिलकर लोगों की कलाइयों पर फ्रेंडशिप बैंड बांधकर दोस्ती का पैगाम देने का प्रयास किया। सोमवार को चाइल्ड लाइन कार्यकर्ता स्कूली बच्चों के साथ डीएसपी ऑफिस पहुंचे और डीएसपी मंडी हितेश लखनपाल और अन्य कर्मचारियों को फ्रेंडशिप बैंड बांधे। इस मौके पर डीएसपी मंडी हितेश लखनपाल ने बच्चों से एक अच्छा नागरिक बनने का आह्वान किया। उन्होंने बच्चों से अपने गुणों को निखारने का संदेश दिया। आज चाइल्ड लाइन के सौजन्य से दोस्ती सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत हमारे ऑफिस में जो है बच्चे आए थे, ये 5th क्लास के बच्चे हैं और इनको हमने एक अच्छा नागरिक कैसे बनाया जा सकता है उसके बारे में बताया, एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन कैसे बन सकते हैं उसके बारे में बताया गया है और हमारी बड़ी अच्छी इंटरेक्शन रही बच्चों के साथ और हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की इंटरेक्शन हम आगे भी कंटिन्यू करते हैं। वहीं चाइल्ड लाइन मंडी के केंद्रीय समन्वयक हुकम चंद ने बताया कि चाइल्ड लाइन द्वारा प्रतिवर्ष 14 से 21 नवंबर तक चाइल्ड लाइन से दोस्ती कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसके तहत बच्चों को विभिन्न कार्यालयों में ले जाकर कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों व अन्य लोगों के साथ जान पहचान करवाई जाती है तथा उस विभाग की कार्यप्रणाली से इन्हें अवगत करवाया जाता है, साथ ही बच्चों के अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक भी किया जाता है। हमारा चाइल्ड से दोस्ती भी एक चला हुआ है जो एक अवेयरनेस कैंपेन है हमारा, तो इसका शुभारंभ हमने तुलासपुर से किया था और ये हमारा 15 से 21 तक था। आज इसका समापन है जो कि हमने डीएसपी साहब के साथ आज सेलिब्रेट किया है। तो इसमें हमने विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सोसाइटी के लोगों को मैसेज दिया है बाल अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए आगे आए। हम सर से यहाँ पर सर से मिलने आए थे, हमने उनसे दोस्ती भी की, उनसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने हमसे पूछा कि हम बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो हमने बताया मैं टीचर बनना चाहती हूँ। सर ने पूछा आपने बड़े होकर कैसा नागरिक बनना है, हमने सब ने बोला हमने अच्छा नागरिक बनना है बड़े होकर। चाइल्ड लाइन मंडी का दोस्ती सप्ताह तो समाप्त हो गया, लेकिन यह लोगों को संदेश दे गया कि यदि आज बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया तो फिर देश का भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी।
सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल मंडी में विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश प्रोफेसर कुलदीप अग्निहोत्री बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। इस अवसर पर उन्होंने विज्ञान सम्मेलन में विजेता रहे विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल मंडी में विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया। अधिक जानकारी देते हुए स्कूल प्रधानाचार्य ने बताया कि विज्ञान सम्मेलन जूनियर व सीनियर दो वर्गों में किया गया, जिसमें दोनों वर्गों में SPM स्कूल के बच्चों ने दूसरा स्थान हासिल किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से बच्चों में विज्ञान के प्रति जागरूकता पैदा होती है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी SPM सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने साइंस सेमिनार 2016 का ऑर्गेनाइज किया। इसमें दो स्तरों पर ये सेमिनार होता है। इसमें जूनियर लेवल और सीनियर लेवल होता है। जूनियर लेवल में हमारे 4 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया। इसमें DAV SPM सीनियर सेकेंडरी स्कूल, RA समाज और DAV पब्लिक स्कूल। इसमें जूनियर लेवल पे DAV स्कूल के छात्रा ने बाजी मारी और उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल को दूसरा स्थान मिला और RA समाज ने तीसरा स्थान प्राप्त। इस तरह के जो इवेंट है जो हम आयोजित करते हैं, इससे बच्चों में साइंस के प्रति जागरूकता और उनमें एक नयापन, उनकी सोच, उनकी दृष्टिकोण सहा विज्ञान के प्रति बदलने के लिए ही इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हैं। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित किए जा रहे हैं और किए गए हैं, पहले भी किए गए हैं और आज आगे भी किए जाएंगे। इस तरह से कार्यक्रम से बच्चों में एक दृष्टिकोण बनता है विज्ञान के प्रति और उनकी जो है उनकी एक विकास, उनका समाज के प्रति विकास, विज्ञान के प्रति विकास, हर एक चीज़ के प्रति उनके सोचने का दृष्टिकोण उसमें बदल जाता है। विज्ञान सम्मेलन में वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश प्रोफेसर कुलदीप अग्निहोत्री बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। अपने संबोधन में कुलदीप अग्निहोत्री ने कहा कि आज विश्व भर में भारतीय वैज्ञानिकों का काफी मान सम्मान है और बच्चों को भी इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी शिक्षण संस्थानों में बच्चों को मौलिक विचारधारा को लेकर प्रेरित करना चाहिए। विज्ञान का जो टेम्परामेंट है हमारा, वो वैज्ञानिक होना चाहिए, ज्ञान वाला होना चाहिए और इस स्कूल ने, शिक्षण संस्थान ने ये शुरुआत की है कि स्कूलों के बच्चों में विज्ञान के विषयों को लेकर जागृति आए और फिर एक्सप्रेस करने की क्षमता भी आए। कंटेस्ट होता है तो एक्सप्रेस करने की क्षमता आती है। इस दिशा से मैं बधाई देता हूँ। और दूसरा, मुझे लगता है जो मेरे बच्चों से बात भी की है कि भाई हमारे शिक्षण संस्थानों में मौलिक बेसिक जो रिसर्च है या आइडियाज़ है, स्कूल में मैं रिसर्च की बात तो नहीं कह सकता लेकिन मौलिक आइडियाज़ को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो कि हम बच्चों में जो मौलिक प्रतिभा है उसको आगे बढ़ाने का काम करें। और मुझे पूरी आशा है, जैसा मैं इस स्कूल का वातावरण देख रहा हूँ, और वैसे भी मंडी तो हिमाचल प्रदेश में छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है। मंडी में नए एक्सपेरिमेंट होते रहे और भगवान भूतनाथ का आशीर्वाद मंडी को मिला हुआ है। गुरु गोविंद सिंह जी मंडी में आए हुए हैं और मुझे पूरी आशा है कि हिंदुस्तान में जो नैया शुरुआत होगी वो ब्यास के किनारे से और मंडी से शुरू। इस दौरान मुख्य अतिथि ने विज्ञान सम्मेलन में विजेता रहे प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी। के चैनल में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ग्रामीण विकास मंत्री ने अपने ही कैबिनेट सहयोगी पर साधा निशाना, कहा सदर हलके के विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं कैबिनेट सहयोगी। नोटबंदी के कारण पूर्व सैनिक और सैनिकों के परिजन परेशानी में, आर्मी की कंटीन में नहीं लिए जा रहे 1000 और 500 के पुराने नोट। मनाली में ट्रेवल मार्ट में जुटे 375 एजेंट, सांसद रामशु शर्मा ने किया ट्रेवल मार्ट का शुभारंभ। और नालागढ़ में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को लेकर की गई हड़ताल, 23 नवंबर के बाद होगा आमरण अनशन।